खुशियों हम नशी, छू ले मेरे दिल की जमीन। इस दिल मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। हेलो आदि, डिसेक्शन हॉल में आना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपर लैम्प करवाना है। मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए हॉस्पिटल जाना है सर्जरी के लिए। ठीक है, जल्दी आना बेटा। हाँ आइए आप लोग, अभी थोड़ी देर में हादी आ जाएंगे, वो आपको सारा डिसेक्शन सिखाएंगे। तो आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन सारी इस बॉडी पे रखनी है, कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। पागल हो गया क्या? लड़कियों के सामने किस तरह खड़े होते हैं, इस बात की तमीज नहीं है तुम? यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। अरे व्हाई डू आई नीड टू कंट्रोल मायसेल्फ? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी वो हवा की बनी है। हल्का सा झटका लगा, लहराने लगी, मेरा क्या कसूर था इसमें? तुमने देखा था ना वहां पे कितनी डेड बॉडीज थी, और इतना तो मालूम होगा कि उनपे कितने जर्म्स होते हैं। वो बेचारी अगर उनपे गिर जाती तो क्या हो जाता? डेड बॉडी उसे निकल जाती, कैंसर हो जाता है, ये तो जाती उसको। तुम्हारे बाइसेप भी तो थे संभालने के लिए उसको। सर ओ पेंडू प्रोडक्शन, वेलकम वेलकम, आइए। आज तो ईद हो गया आपका वैसे। हाँ फुल सीनियर्स की बाहों में झूल झूल के मजे ले लिए आपने। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी बात है। यहाँ इस बात का यही जवाब था, अगर ये मामला हमारे इलाके में हुआ होता तो तप्पड़ की जगह गोलियां चलती। संभाल कर रखो इस पागल को। तुम्हारी वजह से तमाशा लगाएंगे। मेरी वजह से क्या हो रहा है? मैं तुम्हें समझा रहा था। समझाते नहीं हो ना, तमाशा लगाते हो। तुम्हारे पास हट जाओ, मेरे पास हट जाओ, टच मी यार, चुप। क्या देख रहे हैं आप? जाइए, गो टू योर क्लासेस प्लीज।
स्लोगन हो गया तुम क्या? हट जाओ यार, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये कॉलेज है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स की इज्जत है, कुछ तो ख्याल करो। Are you out of your mind? I am out of my mind. मैं उसको भी फोड़ करके आऊंगा। चलो ऐसे चलो। मैं कह रहा हूं हट जाओ यार, हट जाओ यार, करो हाथ नहीं लगाओ मुझे, पागल हो गया हो तुम। जब मामूली सा बात आप तक पहुंच सकता है तो इतनी बड़ी बात आप तक ना पहुंचे ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर आपको सब कुछ बता दूं। बेटा आप बैठ के बात करें। सर मैं यहाँ बैठने नहीं आई और ना ही आपके बेटे की शिकायत लगाने आई हूँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी प्लीज बताएं। सर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेडिकल कॉलेज का एडमिशन मुझे यूट्रे में सजा कर नहीं मिला। हमारे पहाड़ों के कानून बहुत संगलाक, बहुत पुरकतर है, मैं उन सब को पार कर कर यहाँ तक पहुंची हूँ। हाँ हाँ आई नो, आपने बताया था। सर हसन का जुमला मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी गैरत का यही तकाजा था कि मेरा हाथ उड़ गया। वो जो सीनियर है क्या उसका नाम हादी, उसने अपना बाजू आगे कर दिया, वो भी गैर इरादी तौर पे कर दिया था, उसका भी उसमें कोई गलती नहीं था। मगर सर ये बात अगर मेरा फैमिली तक पहुंचेगा मेरे घर पर तो। देखिए बेटा आप परेशान नहीं हो, जब आप को एजुकेशन में होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपको भी संभल के रिएक्ट करना था ना, हसन से भी गलती हुई है। सर लेकिन वो जुमला तो उसने गलती से नहीं बोला था ना। सर मैं अपना डिग्री मुकम्मल कर पहाड़ों पर वापस जाना चाहती हूँ, वहां पे लोग डॉक्टरों का इंतजार करता है, रोजाना जिंदगी से सख्ती है, खत्म होती है। सर प्लीज सर, सर मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लेना सर प्लीज। आपसे किसने कहा कि मैं ऐसा करूंगा? काबिल स्टूडेंट्स की मैं बहुत कदर करता हूँ, आप वापस जाइए अपनी क्लासेस देखें, हसन को मैं देख लूंगा। और हाँ इस बात का आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा, इस पर हम फिर बात करेंगे। थैंक यू सर। कमाल करते हो तुम भी हाथ, भरी यूनिवर्सिटी में उसने तुम्हारे भाई को थप्पड़ मार दिया और तुम अभी भी उस लड़की को डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि कसूर मेरे भाई का है, शर्म आनी चाहिए उसको किसी लड़की से इस तरह बात करते हुए। हसन ने कुछ गलत नहीं कहा है हादी, और उस लड़की को तुमने थामा तो था, मानते क्यों नहीं हो? मैं कोई भी फजूल बात नहीं सुनूंगा, तुमने घर चलना है तो गाड़ी में बैठो ना, जा रहा हूं मैं। पूछ सकती हूं मैं हादी, तुम्हारा ये वियर्ड रिएक्शन उस पहाड़न के लिए ही है या फिर तुम हर लड़की को इसी नजर से देखते हो? Really, Anne? तुम मेरी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। Yeah, I need to explain myself. मेरे प्रपोजल पर तो तुम्हारी मुकम्मल खामोशी, इसे फिर मैं क्या समझूं? हादी मुझे उस पर भी तुम्हारा ऐसा ही रिएक्शन चाहिए। जा रेहाना, हसन को तुम संभाल लेना, मामा बाबा तक ये बात ना पहुंचे वरना अफसोस होगा। भरी यूनिवर्सिटी में थप्पड़ मारा है उसने तुम्हारे भाई को, तुम्हारा क्या ख्याल है हादी? ये बात इतनी आसानी से छुप जाएगी? अंकल आंटी के भी बहुत मुखालिफीन बैठे हैं यहाँ पे, पूरी यूनिवर्सिटी में बात फैल चुकी होगी अब तक।
क्या तुम मर्द लोग इतना बुरा चीज को तावीज की तरह लेके फिरते हो? इसको रखो, हमारा बात सुनो बच्चा। और ये तावीज जो है ना, ये हम मर्दों की शान है, शान। ये बच्चे की तरह होता है, इसको बच्चे की तरह रखता है हम। अब बोलो क्या बोलना है बच्चा? बोलना क्या है, कुछ चीजें हैं जो दरगाह पे भिजवाना है। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम दरगाह पे जाओ, उधर फातिहा पढ़ो, गरीबों में खाना तकसीम करो, दुआ करो, अल्लाह आसानी करता है। वो तो ठीक है मोरे, लेकिन मेरी तो दुआ पूरी नहीं हुई। सच्ची जो बात है, हर दुआ पूरी नहीं होती। हमने तो आज तक जो दुआ मांगी, जो मन्नत मांगी, सारी पूरी हुई। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। तुम आज आया, कितना दिन पहले तुमको बुलाया, अब तुम्हें याद आया। किसके हाथ पैगाम भिजवाया था, हमें तो किसी ने नहीं बताया। दरख्ज़ाई, हमने तुम्हें कहा था कि उसके घर जाओ, उसको पैगाम दो, तुम नहीं गया। ये बड़ा लोग है चाची, हम ठहरे गरीब ड्राइवर की बेटी, इनके शाया निशान तोड़ी है कि ये हमारे घर आके पैगाम भिजवाएं। वो तुम ज्यादा चक 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 नहीं करो, चलो यहाँ से। खाम खा मगज खराब। बोलो क्या पहुंचाना है वहां पे मोरे? बच्चे खाना भिजवाना है। हमें खजस्ता की जानिब से बुरे बुरे ख्याल आते, दिल डरता है। खुदा करे हमारा बच्चा ठीक हो। अगर दिल डरता है तो उसको यहाँ ला के पटको ना, वह शहर में क्यों छोड़ा है उसको? जैसे लाला लेके गया है उसको, बोलो यहाँ लेके आया उसको। ख्याल आते हैं मना, इसको बोलो ये उठाए। सविका जी, डोंट माइंड, ये हसन का क्या मामला है? हसन का मामला? कौन सा मामला? मेरी बेटी कॉलेज से आई तो बता रही थी कि वहां किसी लड़की ने उसे थप्पड़ मारा है। आई हैड नो आइडिया। कब हुआ ये, क्या मसला था? मसले का तो नहीं पता, लेकिन तानिया बता रही थी कि वो कॉलेज में ही थी जब ये सब कुछ हुआ, और हादी भी वहीं मौजूद था। तानिया ने तो गुजरते हुए ये सब देखा, बता रही थी कि अच्छा खासा बड़ा झगड़ा हुआ है। वैसे तो हसन आपका बेटा है, काफी समझदार ही होगा, लेकिन आजकल हरासमेंट लॉ काफी एक्टिव है ना, तो उसे आपकी रेपो का ख्याल करना चाहिए। राइट। अब मैं अभी ऑफ ड्यूटी हो ही रही हूँ, I'll go check it out. आप बेड नंबर 7 देख लेंगे मेरे लिए as a favor, please? Sure. Thank you. हसन से तो तुम वाकिफ ही हो ना, कितना बदतमीज है, पार्टी में उसका रिएक्शन नहीं देखा था आपने? 2-4 से थप्पड़ खाएगा तो खुद ही दिमाग ठीक हो जाएगा। आप बेड नंबर 7 की फाइल दीजिए मुझे। Calm down, Hasan. Calm down. Don't touch me, यार. Hasan, please. दिलाने की ज़रूरत नहीं है. All I'm asking. ऐसा क्या हुआ था जो उस लड़की को तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारना पड़ गया? That's all I want to know. Mama, relax. जो भी हुआ था, situation handle हो चुकी है. क्या handle हुआ Hadi? तानिया ने जाके अपनी मदर को बताया था, उन्होंने सबके सामने मुझसे पूछा. It was so embarrassing. Hasan, I just want to know what happened, बेटे. That's all. अच्छा आप रिलैक्स करें ना, आप बैठे तो सही, मैं बताता हूँ। रिलैक्स करूँ? आप बैठे प्लीज। हसन तुम जाओ अपने कमरे में,
यार मैं क्यों जाऊं अपने कमरे में, वहां पे मेरा तमाशा लगा के मामा के सामने अब तुम इनोसेंट बन रहे हो। इनोसेंट बन रहा है? तुमने नहीं लगाया था तमाशा? आहिस्ता बात करो, घर में मेहमान की मौजूदगी का भी एहसास होना चाहिए। अच्छी बात है ना डैड, उनको भी पता लगना चाहिए, जैसा वो उसे समझती है वैसा है नहीं है, कितना बड़ा मैनिपुलेटर है ये। क्यों, क्या किया था मैंने? वहाँ पे सिर्फ समझा ही रहा था ना तुम्हें। समझा नहीं रहे थे तुम मुझे, मेरा तमाशा लगा। प्लीज। नहीं मामा, मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया था उसको। तुमने थामा था ना उसे? क्या गलत कहा मैंने? यही कहा था ना मैंने? झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझ के धक्का दिया था उसे। मैंने धक्का नहीं दिया था। अच्छा किया उस बच्ची ने तुम्हें थप्पड़ लगाया, इस बात का यही जवाब होना चाहिए। और अब जाओ अपने कमरे में राइट नाउ। इट्स नॉट फेयर डैड। आई एम सॉरी, बिठाओ अपने पापा को। डैड आर यू ओके? आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? कुछ सब ठीक हो जाए। जान आपकी तरफ से आता वो सड़क हमारा जमीनों के बीचों बीच गुजरता है और मैं अपने गांव को दो हिस्से में तकसीम नहीं कर सकता। अच्छा चलो सोचते हैं, इस पर बात करते हैं। तो क्या हुआ माँ बाप? अरे राजा चलो। आटो बम्बई आटो। वो तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक तो यहाँ बैठ के मेरे बाप को हमारे खिलाफ उकसाता है, मेरे भाई के कामों में रुकावट डालता है, और अब यहाँ बैठ के खावा पी रहा है। हाँ छोड़ो इसको हरामखोर। तमीज से दरगज़ई, अगर तुम्हारा बाप का जमीन है तो हम भी खाली हाथ नहीं बैठे, टक्कर का जमीन है हमारे पास। तो अपनी जमीन पर जाकर ठकरे मारो, और अगर दोबारा यहां दिखाई दिए तो तुम सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खान, हम यहां पे लड़ने नहीं आए हैं, बड़े खान से मशवरा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे सड़कें नहीं बनती। आटा पीछे पाको नहीं, हमें सब मालूम है कि सड़क कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती। हमको मत समझाओ, जाओ यहाँ से। खान तुम एक बात बताओ। तुमको बोला बीच में बकवास मत करो। हम सब जानते हैं, हमें आता है अपना सब कुछ संभालना। अब जाओ दफा हो। ये संभालेगा चीजें? अपना मंगेतर तो इससे संभाला नहीं गया, चला गया शहर इसके मुंह पर थूक कर। बड़ा आया चीजें संभालेगा। राम खोर हमारी औरत का नाम लेता है। क्या कर रहा है तू बड़ा? ये कैसा खून लगा है तू? ओए पीछे हटो, क्या मुसीबत है? तो बोलो बेगैरत नहीं है, चलो। मैं भी बेगैरत नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा गैरत बनना चाहती हूँ। बेगैरतों को तुम्हें करीब भी ना पटकने दूँ। ओए पीछे हटो, चलो यहाँ से दफा हो। बाबी मैं अब चलती हूँ, वो बाकी का कपड़ा मैं कल इस्त्री कर देगा। काका आता होगा ना घर। अल्लाह हाफिज। और तुम ख्याल रखा करो अपना। वो चलो यहाँ से। ये कौन, किससे लड़कर आ रहे हो?
वो बदमाश बैराम मिल गया था मुझे, उसके किसी दिन दिमाग में गोली मारूंगा, याद रखना तुम। बैराम क्या कह रहा था तुझे? कहता है कि हमारे खानदान ने उसके घर वाले की लड़की दबा के रखी है, उसको बताओ कि मामा जी ने लड़की पेश की थी। वो तो पहले दिन से ही बदमाश है। अच्छा तुम कान को मत बताना। नहीं बोलता दाजी को। ये सनोबर क्या कह रही थी? क्या बोलेगी ये जाहिल लड़की, कोई तनख्वाह मनख्वाह की बात कर रही थी कि काका को दे और पता नहीं क्या करो, फजूल में बकवास। आइंदा वो कुत्ता तुमको कहीं मिले ना तो अपना रास्ता बदल लेना। उसके गले में पट्टा डाल के उसको घसीटूंगा मैं, आइंदा मिले मुझे अगर। गंदा आदमी। तुम एक बार उस बच्ची से मिलो तो हैरान रह जाओगी, इतनी जहीन और काबिल बच्ची है वो, लाजवाब कर देती है, आंखों में उसकी इरादे चमकते हैं। वो चाहे कितनी भी काबिल हो, उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि भरे कॉलेज में हसन के मुंह पे थप्पड़ मारे। देखो तुम इस वक्त हसन की माँ बन के सोच रही, जबकि हादी ने हमें जूं का दूध सब कुछ बता दिया था क्या हुआ है, और सेम उस लड़की ने बताया, बताओ भला कौन सी लड़की बर्दाश्त करेगी? इट्स नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। मैं हसन की माँ बन के नहीं सोच रही, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा मर्द है जो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा, प्लीज टेल मी। यहाँ इस बात का यही जवाब था, अगर ये मामला हमारे इलाके में हुआ होता तो थप्पड़ की जगह गोलियां चलती। संभाल के रखो इस पागल को। तानिया ने जाके अपनी मदर को बताया था, उन्होंने सबके सामने मुझसे पूछा, इट वाज सो एम्बैरेसिंग। अच्छा किया उस बच्ची ने तुम्हें थप्पड़ लगाया, इस बात का यही जवाब होना चाहिए था। और अब जाओ अपने कमरे में राइट नाउ। मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप नहीं समझते आजकल के बच्चों की मेंटालिटी, स्पेशली बॉयज दिस एज। अगर इस बात पे उसे कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो। तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया, कैसी बात कर रही हो? I don't know, शहरयार, मुझे तो लगता है शायद हम ही से गलती हो गई कि हमने अपने बच्चे उसी इंस्टीट्यूशन में डाल दिया जिसमें हम काम करते थे। मेरा तो ना बिल्कुल दिमाग उलझ के रह गया है। क्या हो गया? कुछ नहीं मामा, खामखा ही परेशान हो रही हैं यार। आपको पता है कॉलेज में सब कुछ चलता रहता है, you know how it works। सुनो परेशान, मुझे ये बताओ तुम लोग बड़े हो गए हो ना मुझे परेशान करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। यही इनकी सगी औलाद है, मैं तो कुछ लगता ही नहीं उनका। जब मरूंगा ना तभी इन्हें मेरा एहसास हो। अच्छा यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था कि हसन को काउंसलिंग की जरूरत है। मे बी अगर हम आयमा से कहते हैं कि हसन से बात करें और ही ओपन्स अप कि उसके दिल में क्या है, वो किस तरह सोचता है, इट माइट हेल्प हिम। सोबिया के सामने भी इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है, 3 दफा पूछ चुकी है मुझसे कि हसन को क्या हुआ है, हसन को क्या हुआ, व्हाट एम आई सपोज्ड टू से टू हर। तो क्या हो गया मामा, पप्पो हैं, समझदार हैं, और हसन की इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी, बस उसको ये एहसास होना चाहिए कि लड़कियां भी हमारे साथ पढ़ती और इनकी इज्जत करना हमारा फर्ज। रख के दू भाई, हसन हसन हसन
हसन, आई डोंट केयर शहरयार, बट यू नीड टू फिक्स दिस। मेरे बच्चे की ईगो हर्ट हुई है, अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली तो आई कांट डील विद दिस। यू हैव टू फिक्स इट, दैट्स इट। साहब जी, हसन बाबा मेरी गन लेके चले गए। कहाँ लेके गए? नीचे। What? अरे किधर है? हसन क्या कर रही हो यहाँ पे? हसन तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? कुछ भी है, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। हसन मुझे दो। हाय मां, मैं कह रहा हूँ चली जाओ यहाँ से, बहस नहीं करो मेरे साथ। क्या कर रहे हो हसन, मुझे दो। मैं कह रहा हूँ मेरे करीब नहीं आना, निकले यहाँ से। तुम पागल हो गए हो? जाओ ना हाय मां, यार मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, चली जाओ। आंटी किसी को नहीं बुलाऊं, मैं चलाऊं दूंगा, मैं बता रहा हूँ, जान से भर दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? हाँ हसन, तुम्हें क्या हो गया है, क्यों कर रहे हो ये? मैं चला दूंगा गोली, मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल हो गया आदमी लगा दी यार, प्लीज अब मुझे लगा। मामी के साथ बैठा था मैं इतनी देर, तुम मिलने आई नहीं। बाप मेरा क्या काम? अच्छा, तुम्हारा मुझसे कोई काम नहीं? मामा जी किधर है, नजर नहीं आ रही? वो तो टिम्बर गया, उसका कोई मसला है ना। तुम दिलावर चाचा से बात करो ना, फॉरेस्ट ऑफिसर तो उनका दोस्त है। देखो इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे कहने और तुम्हारी सुनने, किसी तीसरे की बात मत कर। ये क्या बना रही है? जायस की रजाई है। बहुत प्यारी है, बड़े दिल से बना रही। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? ये ला। क्या सूट है, चूड़ी है, नजर नहीं आ रही है, पहनो। ये तो बहुत प्यारी है।
अच्छा बस करो ना खजिस्ता, मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मैं आज तक कभी किसी लड़के से नहीं टकराई, खुद को बहुत समेट कर रखा है मैंने। जिस तरीके से मैं डॉक्टर आदि के बाजों में गिरी थी, मुझे खुद बहुत शर्मिंदा की हुई, बहुत बुरा लगा। और हसन, उसकी बातों ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतनी तकलीफ कि मैं बता नहीं सकती। उसको तो तुम दफा करो खजिस्ता, वो तो वैसे ही बदतमीज इंसान है, उसकी बातों को क्यों तुम सीरियसली ले रही हो? कैसे बोलूं? तुम जानती हो भैया, अगर ये बात मेरे घर तक पता चल गई ना, तो वो मुझे यहाँ एक मिनट नहीं रुकने देंगे, फौरन ले जाएंगे यहाँ से। MBBS मेरा काब है, तुम जानती हो, मैं जब जब ये सोचती हूँ, मेरे आंखों के आगे मेरे बाबा की मैयत आ जाती है, जिसमें से खून बह रहा था। ऐसा नहीं है भैया कि वहां पे डॉक्टर नहीं है या अस्पताल नहीं है, बस उस दिन डॉक्टर छुट्टी पर था और गोलियां मेरे बाबा के हड्डी पर लगी, मेरी माँ। अच्छा ना, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और देखो तुम तो कितनी हिम्मत वाली हो, तुमने जाके सारी बातें डॉक्टर शहरयार को सच सच बता दी। तुम्हें पता है, तुम्हारी जगह मैं होती ना, मैं कभी भी नहीं ये कर पाती। तुम तो कितनी बहादुर हो, है ना? हाँ, तो हम यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई आरा सोने नहीं आते। मगर मुझे ये डर लग रहा है कि अब आसन क्या करेगा, और डॉक्टर शहरयार कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे खामोशी से फेल कर दे। वो ऐसा क्यों करेंगे? तुमने जो मुझे उनका रवैया बताया है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ये तो है, जिस तरीके से बात कर रहे थे तो लग रहा था कि अपने बेटे की खूब तवाजो करेंगे। तो ऐसे ही किया होगा, तुम क्यों परेशान हो गए? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, है ना? पर मेरा MBBS तो अल्लाह के हवाले है, सब अच्छे से हो जाएगा, फिक्र नहीं कर। क्या सोचा था तुमने कि अपने बूढ़े माँ बाप को ब्लैकमेल कर लोगे अपने इस घटिया फेल से? अब मैं हूं तुम्हारे सामने, करो जो करना है, देखो कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। नहीं बाबा। तुम चुप करो। क्या सोच रहे थे तुम कि खबरों में आएगा कि डॉक्टर सबीका और सर्जन शहरयार की बच्चे ने सुसाइड कर ली क्योंकि उसने अपनी क्लास वालों को हरासा किया, इसलिए? अरे कुछ अंदाजा है उसके बाद क्या होता? इसलिए जवान किया तुम लोगों को कि लोग थूके हम पे? क्या हो गया? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। अरे बेटा तुम तबीयत खराब की बात कर रही हो, मेरा दिल चाह रहा है खुद को खत्म कर लो। कमजोर औलाद, जाओ जाके अपनी माँ को देखो, नींद की गोली खा के भी उसे आराम नहीं आ रहा। अगर उससे कुछ हुआ ना तुम दोनों की वजह से, तो मर के भी कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना मेरी बात को। मतलब चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक काम हो गया उसको दफा करते, खुद को ठीक करने की कोशिश करो, मगर नहीं, बाजू हो तुम दोनों मेरे, इन गोदों में पाला है तुमको, इस उम्र में जनाजा नहीं उठा सकता तुम्हारा मैं। सारी जवानी अपनी किताबों में और अस्पतालों में निकाल दी हमने, मरीजों को देखा आराम नहीं देखा हमने, इस उम्र में कम से कम ऐसा दुख मत दो जिसे हम बर्दाश्त ना कर सके, फॉर गॉड सेक। I'm sorry, Dad. I don't know what happened. I know what you killed myself. I couldn't take it anymore. I love you guys. Sorry, I won't do it again. I'm sorry.
एक ही तो भाई है तू मेरा। आइंदा मत करना ऐसा। प्लीज वी ऑल लव यू। अमरूज इतना दिन हो गया हमारा खजस्ता से बात नहीं हुआ। पता नहीं हमारा बच्चा किस हाल में है। तुम फोन लगाओ हमारा, उससे बात कराओ। वो बिल्कुल ठीक है, मेरी उससे रोज बात होती है और ये वक्त बेवक्त उसे फोन नहीं कर सकते। उसकी बहुत मुश्किल पढ़ाई, खामखा डिस्टर्ब होती है। शेयर बेच कर पे रब्ता नहीं टूटा, रोज बात होती है। मैं जो हर वक्त पास हूं, मुझसे बात तो क्या करनी, अब दिखाई भी नहीं देती। मैं लाला, तुम डिस्टर्ब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो जाके यूएसए का सदर लग गया है, बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की जानने वाला। खामखा हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं।